हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में ये जो LG का प्रोजेक्टर है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका मॉडल नंबर है PW1500GB। यहाँ आप देखेंगे स्टैंड लगाया जा सकता है इसमें। यहाँ रिमोट के लिए सेंसर है, यहाँ हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। ये HDMI इनपुट है और यहाँ RGB इन है, ये जो कंप्यूटर से हम इसको डायरेक्ट चला सकते हैं, लैपटॉप से कंप्यूटर से। ऑडियो आउटपुट के लिए पोर्ट बना हुआ है। यहाँ DC इनपुट है 19 वोल्ट का और यहाँ शायद लॉक की पिन बनी हुई है। अभी इसमें किसी प्रकार का इनपुट नहीं है और LG का जो लोगो है वो आपको सामने वाइट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और रोशनी काफ़ी है, बिल्कुल अंधेरा नहीं है, इसलिए थोड़ा लाइट दिख रहा है। ये अभी ऑन है, यहाँ ये ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पर हल्का हो चुका है और यहाँ पर इसका जो फोकस है वो और इस जगह पर बिल्कुल ओके फोकस हो चुका है। ये इसका साइड पैनल है जहाँ पर आपको एक छोटा स्पीकर दिखाई दे रहा होगा और दो छोटे फैन हैं जो कि हीट को बाहर निकालते हैं। और दूसरी साइड भी एयर के फ्लो के लिए यहाँ नेट टाइप बना हुआ है, काफ़ी स्मार्ट डिजाइन है। इसके साथ ये रिमोट आता है और रिमोट में काफ़ी सारे फंक्शन हैं, पावर ऑफ का भी है, इनपुट डिवाइस के लिए है, म्यूट करने के लिए है, वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए, पेज अप डाउन आदि आदि, और सेटिंग के लिए भी। अब हम इसमें ये RGB केबल को लगा देते हैं और RGB केबल का जो दूसरा सिरा है उसे हम लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। और देखिए सामने स्क्रीन पर लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो दिख रहा है आपको। प्ले करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें ये पेन ड्राइव लगा देते हैं तो यहाँ सामने स्क्रीन पर न्यू एक्सटर्नल इनपुट इज कनेक्टेड, डू यू वांट टू यूज दिस, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। रिमोट हमें इस प्रोजेक्टर के पीछे की साइड रखना पड़ेगा। ड्राइव वन दिखाएगा, फिर ओके दबाते हैं और हमारे पेन ड्राइव में जो भी वीडियो है वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम इसे प्ले करते हैं और ये शुरू हो चुका है और ये जो साउंड है ये इसी प्रोजेक्टर से आ रही है। WXGA होम वीडियो प्रोजेक्टर है, ये LED प्रोजेक्टर है, वो 1500 ल्यूमिनस इसका ब्राइटेस्ट सेटिंग है और इसका जो नेटिव रेजोल्यूशन है वो 1280x800 का है। इसका वेट है 1 किलो 200 ग्राम
और सबसे पहले ये मार्केट में मई 2016 में आया था और अभी तो ये डिसकंटिन्यूड है। इसका जो लैंप टाइप है वो है एलईडी और लैंप की लाइफ है लगभग 30,000 आवर्स, 30,000 घंटे इसकी लैंप की लाइफ है। और इसका जो इंक्लूडेड लेंस है उसे मैनुअल फोकस है। और इसका जो ऑपरेटिंग डिस्टेंस है, मतलब थ्रो डिस्टेंस है, वो 0.7 मीटर से लेकर के 3.1 मीटर तक है। इमेज साइज है जो 64 सेंटीमीटर से 254 सेंटीमीटर तक इमेज का साइज आ सकता है, सामने जो डिस्प्ले आ सकता है। इसमें जो इंटरनल स्पीकर है वो 3 वॉट के हैं, 2 स्पीकर हैं छोटे। जब हम इसमें इनपुट सिलेक्ट करते हैं तो हमें इनपुट के रूप में कंपोनेंट आरजीबी पीसी, यूएसबी और एसडीएमआई, सिर्फ यही है। और इसके लिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर हम वायरलेस डिस्प्ले नहीं ले सकते, मतलब मोबाइल से, स्मार्टफोन से वायरलेसली इसको नहीं चला सकते हैं। ये इसका एक मेन डिसएडवांटेजेस है। ये इसके साथ का एडेप्टर है जिसका आउटपुट है वो 19 वोल्ट 5.79 एम्पियर बता रखा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है जो एलजी का ये जो प्रोजेक्टर है इसके बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।